आधे हिंदुस्तान में कोहरे का कहर शुरू हो चुका है। कोल्ड अटैक से सभी परेशान हैं। देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। देश के कई राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी है। आपको दिल्ली, यूपी, हरियाणा का हाल दिखाते हैं। आखिर कोल्ड अटैक ने कैसे कई राज्यों पर सितम ढाया है। कोल्ड अटैक से हिंदुस्तान परेशान। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट, बड़ी परेशानी। हिंदुस्तान पर कोहरा, शीतलहर, ठंड बरपाएगी कहर। इस वक्त आधा हिंदुस्तान ठंड से परेशान है। देश के कई राज्यों में कमोबेश हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोल्ड अटैक से हिंदुस्तान ठिठुर रहा है। मौसम की मार ऐसी है कि कोहरे से सड़कों पर दिखना बंद हो चुका है। विजिबिलिटी जीरो। ट्रेन, फ्लाइट, सड़कें, सभी जगह रफ्तार पर ब्रेक लग गए। सबसे पहले देश के शहरों का हाल देख लीजिए। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट शुरू हो चुका है। दिल्ली में कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ रही है। बाहर निकलने वालों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। घनी धुंध की वजह से रेलवे, सड़क और एयर रूट प्रभावित हुए हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। रेलवे तो कुछ कर नहीं सकती। वैसे उन्होंने अपडेट कर दिया है हमें कि योर ट्रेन इज 3 आवर्स लेट, और धुंध की वजह से, फॉग की वजह से काफी मुश्किल हो रही है। सुबह 4 o'clock से हम यहाँ आके बैठे हैं, एंड उसके पहले से 1-2 घंटे पहले से घर से निकले थे, तो और आगे पता नहीं कितनी देर और लेट हो जाएगा। नहीं सर, यही है कि वहां पर जाएंगे तो फिर मतलब नाइट में पहुंचेंगे, फिर आगे भी जाना है उससे आगे, तो वहां के लिए कन्वीनियंस नहीं मिलेगा कुछ भी, तो फिर रात में तो ट्रेवल करना वैसे भी थोड़ा पैसा माना जाता है। तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। लोग जो आ रहे हैं आज का ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा है, और पंजाब साइड में आते समय ज्यादातर अम्बाला के बाद में ट्रैफिक हुई और ड्राइविंग करना भी काफी मुश्किल हुई है। और जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वो दिया हुआ टाइम है, जो एक्चुअली जो टाइम है उससे 2 घंटे पहले चल तो बेटर है, क्योंकि सही टाइम पे पहुंच जाएंगे वो, है ना। उससे ज्यादा ही टाइम लगा क्योंकि सिक्योरिटी चेक भी है, तो उनका भी थोड़ा ज्यादा जो चेकिंग का है। और उसके बाद में विजिबिलिटी तो पहले ही मैंने बताया कि विजिबिलिटी नहीं है, तो विजिबिलिटी के होने के नाते वहां से तो टाइम ज्यादा लगे ही हमें, और यहां से भी जो टाइम हम लोग पहले आते हैं उससे भी ज्यादा टाइम लगा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी समेत देश के 14 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट। हरियाणा के 8 जिलों का हाल आप देख लीजिए, जिसमें आपको नजर आएगा ठंड का सितम। देखो जी, ये तो स्वाभाविक है, दिसंबर का मौसम है और कोहरा भी पड़ना ही है, तो जहाँ फायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। नुकसान ये है कि गाड़ियाँ लेट आएंगी, यात्रियों को परेशानियाँ होंगी, जब पहले वाली के चक्कर में आते हैं वहाँ उससे पहले वाली मिलेगी। दूसरा, इसमें जमींदारों को फायदा है। ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं। हाँ, ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं। अभी ये 4:42 की ट्रेन है शायद, ये कालका मेल आ रही है, अभी करीब 7 बजे हो गए, तो 4:45 का टाइम है। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, लगभग ये होगी 30 से 35 मीटर की। आज और कल 2 दिन हो गए कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, धुंध के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। स्कूलों के बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आ रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं, सभी व्हीकल्स की लाइट ऑन करके जाना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। 10 से 15 फुट का भी हम आसानी से नहीं देख पा रहे हैं। धुंध के कारण चलने फिरने में लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें भी ज्यादा लेट है, जिसके कारण दिल्ली जाने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर खत्म होने को है और ठंड और कोहरा आधे हिंदुस्तान में एक्टिव मोड में। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। उत्तर भारत में कोहरे का आलम शुरू हो गया। ये दिसंबर का महीना है और अभी जनवरी का आगाज तो बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।